तोड़ना नहीं चाहिए बोलते हैं, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको हटा नहीं रहे हैं। और उसको हाथ भी लगा के इधर उधर कर देते हैं ना, तो वो भी ढूंढेगा उसको बाहर, यहीं पास भी ला सकते थे। मैं समी को पहले बोली कि यहीं लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं करके, लेकिन ना वो फिर अपना घर ढूंढेगा, ढूंढ नहीं पाएगा कहाँ है करके, इसलिए वहीं का वहीं रहने देते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। बाहर बैठ के चाय पी रही हूँ, चाय का मजा ले रही हूँ। तो दिन का शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये देखिए इस पैरों को, हल्का सा हल्का हवा चलता रहता है, देखिए पेड़ पत्ते जो हिल रहे हैं ना, ये देखिए आप लोग कितना अच्छा हवा चल रहा है। एंड यही बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ अलग आता है। अभी बज रहा है सवेरे का 7। एंड ये देखिए बादल कैसे करके रखा है, आज तो धूप बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि धूप होगा करके। एंड मेरे को यही बरंडा में यहीं पर बैठ के चाय पीना, मेरे को बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ से रोड भी दिख जाता है एंड चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। तोरण में देखिए ना कैसे चिड़ियाघर बनाया है, ये देखिए दो ठो चिड़िया आते हैं घर बनाते हैं। एंड संजू को मैं ऑलरेडी पहले से बोली भी थी कि इसको हटा देते हैं घर के, तो संजू बोले नहीं हटाएंगे। अभी भी स्टिल वो कुछ लेके आया है, चिड़िया कुछ लेके आया है, मेरे को देखा तो उड़ गया। लेकिन ना बोलते हैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। मैं संजू को बोली कि यहीं बरंडा में लगा देते हैं, यहाँ पर जो ये जो ग्रिल है ना फ्रेंड, ये ग्रिल ये तोरण को खोल के वहीं लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा वहीं पर, आ जाएगा वहीं पर, आ जाएगा करके बोली। तो संजू बोले नहीं, वो नहीं ढूंढ पाएगा, ये लोग कहाँ ढूंढ पाते हैं। तो किसी का घर भी तोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मेन एंट्रेंस के सामने ही है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। उसको हटा दूंगी तो वो बेचारा भी ढूंढेगा, अपना घर ढूंढेगा, कितना मेहनत से घर बनाया है तो वो भी ढूंढेगा। देखती हूँ एंड क्या करते हैं, बाद में किसी से पूछ के कैसे क्या करना है करके पूछती हूँ। एंड कितना अच्छा नेस्ट बनाया है ना, अच्छा लगता है। एंड वो लोग भी कितना अच्छा, एक एक तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर, अभी भी वो तिनका ही लेके आया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एंड अभी वो कहाँ आया है देखिए, ये अपने नेस्ट में ही आया है कुछ करने के लिए, ये देखिए। चलिए लंच बनाते हैं। आज हमको एक पार्टी में जाना है, संजू का कोलिग्स का सिस्टर इन लॉ का शादी है, तो ऑफिस का पार्टी है तो जाना ही पड़ेगा। एंड अभी मैं जाती हूँ, लंच का प्रिपरेशन करती हूँ। आज बनाऊँगी ओडिशा स्पेशल दालमा बनाऊँगी, संजू बोले दालमा बना देना एंड भिंडी फ्राई कर देना करके, तो जाती हूँ, वो जल्दी जल्दी बन जाएगा वो बना देती हूँ। दालमा के साथ भिंडी फ्राई, कोई फ्राई व्राई अच्छा लगता है, खट्टा भी अच्छा लगता है, लेकिन खट्टा बनाती हूँ, लेकिन अभी खट्टा नहीं बनाऊँगी, आज नहीं बनाऊँगी, भिंडी फ्राई बस कर दूंगी। और इनका मेरा ऑलरेडी मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बनाई हूँ। एंड चलिए फिर मैं लंच का प्रिपरेशन करती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। संजू को ऑलरेडी लंच बॉक्स भी देना है, तो जल्दी जल्दी बनाते, जल्दी बन जाएगा। यहाँ मैं जीरा एंड लाल मिर्ची को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसको फ्राई करके उसका पाउडर बनाऊँगी, ताकि ये हर सब्ज़ी में भी लगता रहता है एंड ये दालमा में भी स्पेशल लगता है इसको, एंड इसीलिए इसको मैं फ्राई करके रखती हूँ। ये मेरा ख़त्म हो गया था तो इसको अभी मैं बना के रख दूँगी स्टोर करके। एंड ये देखिए मेरा जीरा ऑलरेडी फ्राई हो गया था, इसको मैं अभी पाउडर करूँगी। एंड चलिए पाउडर करते हैं इसको, ये देखिए जीरा पाउडर बन गया था। जीरा पाउडर आपको हर उड़िया घर में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग अक्सर दालमा जो बनाते हैं, चलिए बनाते हैं दालमा। ये है पम्पकिन, परवल, ये है पपीता, ये है ड्रमस्टिक मुनगा एंड ये है आलू। ये सब वेजिटेबल दालमा में लगेगा, आप चाहें तो और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, केला हो गया, गोभी हो गया, ये सब भी डाल सकते हैं। एंड ये देखिए वेजिटेबल को मैं सेपरेटली उसको बॉईल कर रही हूँ, चाहे तो आप इसको दाल के साथ भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे इसको सेपरेट बॉईल करती हूँ। फिर मैं उसमें टमाटर भी ऐड कर दी थी देखिए, एंड परवल को मैं स्किप कर रही हूँ, बाद में उसको फ्राई करके डालूँगी। दाल भी उबल के रख किया था दालमा के लिए एंड ये सब्जी मिठाई हूँ एंड साथ में मैं इसको भी डाल दूँगी। जो परवल था ना उसको फ्राई कर रही हूँ, परवल फ्राई हो रहा था एंड साथ में मेरा वेजिटेबल भी बॉयल हो गया था, ये देखिए। छौंक के लिए मैं जीरा एंड लाल मिर्ची ली हूँ, आप चाहे तो तेजपत्ता भी डाल सकते हैं। सारा वेजिटेबल मैं इसमें डाल दी थी एंड लास्टली जो मैं परवल को फ्राई करके रखी थी उसको भी उसमें डाल दूँगी, ये देखिए
परवल को भी फ्राई वाला डाल दी, परवल को भी डाल दी, लास्ट में इसमें दाल भी डाल दूंगी। दालमा का तो छौंक लग गया था। लास्टली इसमें हम भुंजा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। ये देखिए मैं जीरा पाउडर अभी इसमें डालूंगी, भुंजा हुआ जीरा पाउडर इसमें डाल देंगे। ये बन गया हमारा दालमा। आप चाहें तो इसमें घिसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था करके मैं नहीं डाली हूँ। साथ में यहाँ मेरा भिंडी भी फ्राई हो रहा था। कोई भी फ्राई में ना फ्रेंड, मैं लास्ट में प्याज ऐड करती हूँ, अच्छा लगता है, हल्का हल्का कच्चा रहता है। तो ये देखिए मैं इसमें प्याज भी लास्टली ऐड कर दी हूँ। इसको भी ऐसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरा भिंडी फ्राई भी हो गया। शाम के नाश्ते के टाइम में संजू मक्समेलन खाऊंगे बोले, तो इसीलिए इनको मैं वही काट के दे रही हूँ। ये देखिए जो अपना मक्समेलन एंजॉय कर रहे हैं। कैसा है, मीठा है क्या? बहुत मीठा मीठा शक्कर के समान मीठा। अच्छा, शक्कर शक्कर होता है भाई, एंड मक्समेलन मक्समेलन होता है। हाँ मीठा तो रहता ही है। ठीक है आप खाओ। एंड साथ में यहाँ टीवी चल रहा है, टीवी देखते देखते ये अपना मक्समेलन को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग पार्टी जा रहे हैं। मैं पार्टी जा रही हूँ, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं तैयार हो गई हूँ, एंड ये रहा गिफ्ट। एंड संजू अभी आ रहे हैं, मैं गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। एंड संजू अभी आ रहे हैं, ताला लगाएंगे अभी, वो अपना सूट पहन के आ रहे हैं। आज जो बारिश हुआ ना फ्रेंड, शाम को पूछिए मत, बहुत ज़ोर से बारिश है। अभी यहाँ तो लाइट नहीं है, स्ट्रीट में मैंने दिखेगा नहीं आपको पानी बैकग्राउंड में। ये देखिए कितना सारा पानी जमा है, हालांकि नहीं दिख रहा होगा। चलिए फिर फ्रेंड मैं आप लोग को पार्टी की जगह पे मिलती हूँ। कैसा था क्या था पार्टी आप लोग को दिखाती हूँ। संजू ऑलरेडी आ गया है, ये रहे मिस्टर पटनायक। हाय। चलिए मैं आप लोग से पार्टी की जगह से मिलती हूँ, पास में ही पार्टी है, फिर मैं चलती हूँ पार्टी में। जो बारिश हुआ था ना फ्रेंड, ये देखिए पार्टी के जगह का हालत क्या हुआ है। पूरा उनका डेकोरेशन पूरा बिखर गया था, ये देखिए। एंड स्टेज के ऊपर तो दूल्हा दुल्हन थे ही नहीं, नीचे देखिए कितना गीला गीला लग रहा है। क्या करें, आने का मन भी नहीं था, लेकिन ऑफिस के फ्रेंड थे तो आना ही पड़ा। बहुत सारे फ्रेंड लोग तो आए भी नहीं थे, हम लोग भी नहीं जाएंगे सोच रहे थे, लेकिन क्या करें, घर के पास में ही था तो इसीलिए जाना पड़ा। कोई बहाना भी तो हमारे लिए नहीं था इसीलिए। एंड हम लोग भी रात को 10:30 बजे 10:20 तक गए होंगे। एंड चलिए फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। एंड ये वाला वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।